जय श्री गुरुदेव। पिछले सेशन में मैंने बताया था कि हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस सीरीज में हम ब्रह्मांड के रहस्यों को खंगालने की कोशिश करेंगे। इस धरती पर ज्ञान भरा पड़ा है, उस ज्ञान को समायोजित नहीं किया गया और ज्ञान विभिन्न माध्यमों से प्रकट हुआ। किसी की अंतर चेतना में प्रकट हुआ, किसी के मन में प्रकट हुआ, किसी के मस्तिष्क में डिस्कवर हुआ। ज्ञान एक ही सोर्स से आता है और वो है परमपिता परमात्मा। जिस ज्ञान के माध्यम से हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे वो ज्ञान रा का ज्ञान है, जो सूर्य देव की आत्मशक्ति है, सूर्य देव की एक किरण है, सूर्य देव में रहने वाली आत्माओं के समूह में से एक आत्मा है। अब सूर्य देव से कैसे आत्मा धरती पर आकर ज्ञान दे सकती है, ये सबसे रहस्यमयी बात है। लेकिन ऐसा हुआ और ऐसा दावा किया गया। ये दावा हमने नहीं किया बल्कि पश्चिम के देश में रहने वाली तीन आत्माओं ने किया। जनवरी 15, 1981 से लेकर 15 मार्च 1984 तक तीन डेडिकेटेड सीकर्स जो कि सत्य की खोज में लगे थे, उन्हें ये संदेश प्राप्त हुआ। ये संदेश इन तीनों में से एक महिला के माध्यम से प्राप्त हुआ। उस महिला के अंदर ध्यान अवस्था में ये आत्मा प्रकट होती और बाकी दो सीकर्स के सवालों के जवाब देती। लगातार रिकॉर्डिंग का सिलसिला चलता रहा। इन संदेशों को बाद में लिखित स्वरूप दिया गया। ये कम्युनिकेशन रिकॉर्डेड है और पूरा YouTube पर उपलब्ध है एज इट इज। कैसे एक महिला सनातन धर्म के रहस्यों को उद्घाटित करती रही, कैसे उसके माध्यम से कुंडलिनी का, धर्म ग्रंथों का ज्ञान उजागर हुआ, ये आश्चर्य कर देने वाली रिकॉर्डिंग थी जो सतत 3 साल तक चलती रही। मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन जितना मैं पढ़ पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, उसके अनुसार आपको मैं इस विषय में आगे बताता रहूँगा। और ये एक रेफरेंस मात्र है। इस रेफरेंस का उद्देश्य है कि ज्ञान की नई नई प्रणालियों का, ज्ञान के नए नए स्रोतों से हम अपने मस्तिष्क को परिपूरित करें, अपने आप को खंगालें, अपने स्व की खोज करें और तमाम तरह का जो धर्म ग्रंथों का, शास्त्रों का ज्ञान है उसको समायोजित कर, उसे एक सूत्र में पिरोकर उस परम पिता परमात्मा की ओर हम आगे बढ़ सकें, सत्व गुण की ओर बढ़ सकें। क्योंकि इस कन्वर्सेशन में जो ज्ञान मिला वो बहुत चौंकाने वाला ज्ञान था, हम सब के लिए एक मार्गदर्शक का, एक सूत्र का आधार ये ज्ञान बन सकता है। ज्ञान तो हमारे शास्त्रों में भी है, लेकिन शायद हमने उसका महत्व नहीं समझा और उसके प्रामाणिकता के लिए इस तरह के फॉरेन में डिकोड हुए ज्ञान के रेफरेंस की शायद हमारे मस्तिष्क को आवश्यकता है और इसी से हम अपने आप को रिफाइन कर पाएंगे। आधुनिक पीढ़ी, नई पीढ़ी अपने आप को सनातन ज्ञान से, सनातन धर्म से कनेक्ट कर पाएगी, सिद्ध योग से कनेक्ट कर पाएगी, यही इस सीरीज का उद्देश्य है। फ्रॉम जनवरी 15, 1981 थ्रू मार्च 15, 1984 थ्री डेडिकेटेड सीकर्स ऑफ ट्रुथ रिसीव्ड द स्पोकन कम्युनिकेशन, द मैसेजेस एज यू विल डिस्कवर केम फ्रॉम ए सिविलाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग हु आइडेंटिफाइड देमसेल्व्स एज रॉ, द रॉ कॉन्टेक्ट टीचिंग द लॉ ऑफ वन कंटेन्स द होल रेक्टिफाइड एंड नाउ यूनिफाइड रिकॉर्ड ऑफ दिस 3 ईयर पीरियड ऑफ कॉन्टेक्ट विद रा। इंट्रोडक्शन में लिखा जाता है कि 1981 से 1984 तक तीन डेडिकेटेड सीकर्स ने ये मैसेजेस प्राप्त की है। ये मैसेजेस थे रा के। रा को हम भारतीय संस्कृति में राम के रूप में भी जानते हैं, कृष्ण के रूप में भी जानते हैं, बुद्ध के रूप में भी जानते हैं।
रा यानी एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी शक्ति जो ब्रह्मांड में अलग अलग स्वरूपों में व्याप्त है और मानव जाति के कल्याण के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए विभिन्न विविध रूपों से अपने आप को प्रकट करती है और सबको ईश्वर के मार्ग पर ले जाने के लिए प्रेरित करती है। रा जो है वो सूर्य की रश्मियों से प्रकट एक आत्मा है। वो खुद को सूर्य लोक में रहने वाली एक एंटिटी बताती है। वो कहती है कि मैं सूर्य से आई हूं। जिस सूर्य को तुम देखते हो वो रोशनी का एक गोला मात्र नहीं है, बल्कि हम जैसी अनंत आत्माओं का समूह है जो निरंतर नित्य प्रकाशित होती हैं और उसी प्रकाश से ये जीवन चलता है। हम जिस सूर्य की रोशनी को जलाने वाली किरणें मानते हैं, एक्चुअली वो धरती के वातावरण से संयुक्त होकर हमें जलाने लगती हैं। वरन वो जलाने वाली किरणें नहीं बल्कि वो जीवन की ऊर्जा है। इन द अर्थ्स एंशियंट हिस्ट्री रा इज नोन एज द इजिप्शियन गॉड ऑफ द सन। दे स्टेट हाउएवर दैट व्हेन दे विजिटेड द इजिप्शियन दे केम एज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स नॉट एज गॉड। इजिप्शियन कल्चर में वो भाई बहनों के रूप में अवतरित होते हैं। दे केम बिकॉज दैट सिविलाइजेशन हैड डेवलप्ड ए कल्चर एंड ए बिलीफ सिस्टम दैट प्रिपेयर्ड देम टू कॉम्प्रिहेंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द लॉ ऑफ वन। दिस रेडीनेस फॉर द लॉ ऑफ वन ड्रू दोज ऑफ रा टू देम टू सर्व एज टीचर ऑफ दीज प्रिंसिपल्स। Ra report that their effort to aid that particular culture were misunderstood and distorted. The Egyptian, particularly the royal elite who reserved the message only for themselves, robbed the message of its inherent compassion, distorting the philosophy of the oneness of all things. Ra ne kaha ki jab wo Egyptian culture mein aaye तो उन्होंने मानव जाति को ज्ञान देने की कोशिश की, लेकिन उस ज्ञान को रिजर्व कर लिया गया, उसे विकृत कर दिया गया और वो यहाँ से चले गए। बट दैट वॉज नॉट देयर ओनली रीजन। रॉ ऑल्सो मेड कॉन्टेक्ट विद दिस ग्रुप बिकॉज अर्थ इज नियरिंग द एंड ऑफ ए 75,000 ईयर मास्टर साइकिल ऑफ इवोल्यूशन एंड मैनी ऑफ इट्स पॉपुलेशन आर रेडी टू ग्रेजुएट टू द नेक्स्ट इवोल्यूशनरी स्टेज। What Ra calls the fourth density, Chaturth Yug, Satyug, the density of love and understanding. They wish to be of aid in this time of transition and thus responded to the call for serving, issuing forth from this planet. Ra कहते हैं कि वो इस धरती पर पुनः आए हैं, बार बार आए हैं, और इस बार वो इसलिए आए हैं कि धरती चौथी डेंसिटी में प्रवेश कर रही है। रॉ बताते हैं कि वो सिक्स्थ डेंसिटी से आए हैं। सूर्य इस वक्त छठवीं घनत्वता में है। छठवीं घनत्वता में तमाम आत्माएं एक समान हैं, उनमें कोई भेद नहीं है, ऊंच नीच की कोई दीवार नहीं है, सभी प्रेम और प्रकाश से बनी हुई आत्माएं जीवन का स्रोत हैं और पूरी धरती पर, पूरे इस सौर मंडल में उसी सूर्य देव के कारण जीवन है और ये हम सब भली भांति जानते हैं। रा बताते हैं कि धरती चौथी घनत्वता यानी सतयुग में प्रवेश कर रही है। परम पूज्य गुरुदेव ने भी यही कहा कि धरती सतयुग में प्रवेश कर रही है। कलयुग का दौर खत्म हुआ और सतयुग में जैसे जैसे धरती का प्रवेश बढ़ता जाएगा, शुरुआती दौर जैसे जैसे खत्म होता जाएगा, यहाँ पर रॉ कहते हैं कि वही आत्माएं रह पाएंगी जो सतयुगी गुणों से युक्त होंगी, जिनका वाइब्रेशन फोर्थ डेंसिटी के लायक होगा, प्रेम और प्रकाश के जमाने में जो प्रवेश करने योग्य होंगी वही रह पाएंगी, बाकी सबकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी। बाकी सभी आत्माएं जो सत्वगुणी नहीं हो पाएंगी
उन आत्माओं को ऐसे ग्रहों पर जन्म लेना पड़ेगा जहां पर अभी थर्ड डेंसिटी यानी कलयुग चल रहा है। रॉ कहते हैं कि रॉ इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ लार्जर ग्रुप कॉल्ड द कन्फेडरेशन ऑफ प्लैनेट्स इन द सर्विस ऑफ द वन इनफाइनाइट क्रिएटर दैट कंसिस्ट ऑफ मैनी अदर सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्सेस फ्रॉम अदर प्लैनेट्स इन अवर लोकल पोर्शन ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। रॉ कहते हैं कि वो एक कन्फेडरेशन के सदस्य भी हैं। ये कन्फेडरेशन सौर मंडल में मौजूद सभी ग्रहों की सेवा करता है और इसका मूल उद्देश्य वन इनफाइनाइट क्रिएटर, एक परमात्मा जो सब में मौजूद है, उस परमात्मा की सेवा करना है, उसके मार्ग पर सबको चलाना है और उसमें ही सबको समाहित कर देना है। इसी को भारतीय धर्म दर्शन मोक्ष कहता है। इस गैलेक्सी का भी एक सेंटर गैलेक्टिक सन है। जब हम गैलेक्सी को देखते हैं तो हम पाते हैं कि उस गैलेक्सी के बीच में रोशनी दिखाई दे रही है। वो रोशनी गैलेक्टिक सन से निकलती है। वहां और भी गहन, और भी उत्कृष्ट, और भी विशिष्ट आत्माएं निवास करती हैं। और जिस सूर्य के द्वारा हम उत्पन्न होते हैं, जिस सूर्य के द्वारा हमारा जीवन चलता है, वो हमारे सौर मंडल का मुखिया है। हमारे भारतीय धर्म दर्शन में भी सूर्य को लेकर अद्भुत बातें बताई गई हैं। इमम विश्वते योगम प्रोक्त वान हमव्यम विश्वान मनवे प्राह मनुरिक्षा वे ब्रवीत। मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, फिर सूर्य ने वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि उन्होंने योग का उपदेश सबसे पहले सूर्य को दिया। सूर्यदेव एक पद का नाम भी है। सूर्य अर्थात प्रकाश पुंज, जो समस्त ब्रह्मांड में प्राणियों को जीवन जीने के लिए जरूरी प्रकाश देता है। भारतीय धर्म ग्रंथों में भगवान सूर्य के 12 स्वरूप बताए गए। इन्हें आदित्य भी कहा जाता है। परम तेजस्वी दिव्य सूर्य भगवान 12 स्वरूपों में अपने विविध कार्यों को पूरा करते हैं। इंद्र धाता पर्जन्य त्वष्टा पूषा अरेमा भग विश्वान विष्णु अंशुमान वरुण मित्र। इंद्र भगवान सूर्य के प्रथम स्वरूप का नाम है। इनकी शक्ति अति असीम है। दैत्य और दानव रूप दुष्ट शक्तियों का नाश और देवों की रक्षा का भार इन्हीं पर है। धाता भगवान सूर्य के दूसरे स्वरूप का नाम है। विग्रह के रूप में जाना जाता है, प्रजापति के रूप में जाने जाते हैं। जन समुदाय की सृष्टि में इन्हीं का योगदान है। सामाजिक नियमों का पालन ध्यान इनका कर्तव्य है। इन्हें सृष्टिकर्ता भी कहते हैं। पर्जन्य तीसरे स्वरूप का नाम है। मेघों में निवास करते हैं, मेघों पर इनका नियंत्रण है। त्वष्टा चौथे स्वरूप का नाम है। इनका निवास वनस्पति में है, पेड़ पौधों में यही व्याप्त है, औषधियों में निवास करने वाले हैं, तेज प्रदान करने वाले हैं। पूषा भगवान सूर्य के पांचवें स्वरूप का नाम है। इनका निवास अन्न में होता है। सभी प्रकार के धान्यों में ये विराजमान है। इन्हीं के द्वारा अन्न में पौष्टिकता और ऊर्जा आती है। अरिमा भगवान सूर्य के छठे स्वरूप का नाम अरिमा है। वायु रूप में प्राण शक्ति का संचार करते हैं, चराचर जगत की जीवन शक्ति है, प्रकृति की आत्मा रूप में निवास करते हैं। भग सातवें स्वरूप का नाम है। प्राणियों की देह में अंग रूप में विद्यमान है,
यह भग देव शरीर में चेतना, ऊर्जा शक्ति, काम शक्ति और जीवंतता की अभिव्यक्ति करते हैं। विवस्वान भगवान सूर्य के आठवें स्वरूप का नाम है, अग्निदेव है। कृषि और फलों का पाचन, प्राणियों द्वारा खाए गए भोजन का पाचन इसी अग्नि के द्वारा होता है। विष्णु भगवान सूर्य के नौवें स्वरूप का नाम है, संसार के समस्त कष्टों से मुक्ति कराने वाले हैं। अंशुमान दसवें स्वरूप का नाम है, वायु रूप में जो प्राण तत्व बनकर देह में विराजमान है वही दसवें आदित्य अंशुमान है। जीवन सजग और तेजपूर्ण रहता है। वरुण ग्यारहवें स्वरूप का नाम है, देव जल तत्व का प्रतीक है, प्रकृति के जीवन का आधार है। जल के अभाव में जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। और मित्र भगवान सूर्य के बारहवें स्वरूप का नाम है, विश्व के कल्याण हेतु तपस्या करने वाले मित्र देवता है। तो भगवान सूर्य अपने आप में एक ऐसी शक्ति जिसके बिना जीवन की एवोल्यूशन की कल्पना नहीं की जा सकती। और यही बात रा ने सात समंदर पार एक अंग्रेजी देश में एक अंग्रेजी महिला के द्वारा इस पूरे संसार को बताने की कोशिश की। रिकॉर्डिंग तो 1981 से शुरू हुई, 84 तक चली, लेकिन आज वो सर्वव्यापी हो रही, क्योंकि इंटरनेट का युग है। समय आने पर समस्त ज्ञान सर्वव्यापी हो जाता है। अब रॉ कहते हैं कि द कॉन्फेडरेशन्स प्राइमरी मैसेज हैज ऑलवेज बीन दैट वी लिव इन ए यूनिवर्स ऑफ यूनिटी, दैट द वर्ल्ड एज वी परसीव इट इज एन इल्यूजन, दैट वी आर हियर टू लर्न हाउ टू गिव एंड रिसीव लव, एंड दैट मेडिटेशन इज वन ऑफ द प्रिंसिपल मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द क्रिएटर दैट एग्जिस्ट इन ऑल ऑफ अस। अब रॉ कहते हैं कि जो कॉन्फेडरेशन है, जो समस्त ग्रहों का संचालन करने वाली संस्था है, उसका मैसेज साफ है। उसका कहना है कि हम एकता के यूनिवर्स में रहते हैं। इस एकता का ज्ञान भगवान आदिगुरु शंकराचार्य ने भी दिया। वो कहते हैं कि द वर्ल्ड एज वी परसीव इट इज एन इल्यूजन, ये जो जगत हमें दिखता है वो माया है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यही बात रा कहते हैं कि ये सब इल्यूजन है, एक आभास है, भ्रम है। और हम यहां इसलिए आए हैं क्योंकि हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि प्रेम जीवन का आधार है, वही परमात्मा की शक्ति है। और इस प्रेम की शक्ति को, प्रकाश की शक्ति को पाने के लिए ध्यान ही एकमात्र आधार है, यही एकमात्र सिद्धांत है जो समस्त मानव जाति का कल्याण करेगा, जो समस्त मानव जाति को चौथे डेंसिटी में, चौथे युग में प्रवेश करने के योग्य बनाएगा। वरना 25,000 साल का एक और कलयुग का दौर, जन्म मृत्यु का चक्र उसे गुजरना पड़ेगा। इन द कोर्स ऑफ दिस कन्वर्सेशन रॉ सर्टेनली टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर परस्पेक्टिव बट रिनाउंस्ड एनी अथॉरिटी, इंडिकेटिंग दैट व्हाट दे हैड टू शेयर वॉज देयर perspective only. What they described as the somewhat different slant upon the information which is always and ever the same. They wished not to be identified as the source of this information. Indeed, they asked especially that they be described as humble messengers of the law of one. In this statement, they acknowledge their limitations and honor their relationship to the one truth which transcended but included every seeming portion of identity throughout the universe. इस कन्वर्सेशन में बार बार रा कहते हैं कि वो अथॉरिटी नहीं है, वो इस ज्ञान का स्रोत नहीं है, वो ज्ञान के संवाहक मात्र है, संदेशवाहक है, इस ज्ञान को आगे बढ़ाने वाले हैं। और उनका ज्ञान परिपूर्ण है ऐसा भी नहीं, क्योंकि वो सिर्फ सिक्स्थ डेंसिटी के रहने वाले हैं, वो सिर्फ सूर्य तक सीमित है, जबकि परमात्मा की सृष्टि अनंत है, उसके स्वरूप अनंत है। इसलिए उनका ज्ञान अनंत नहीं हो सकता, वो सीमित है लेकिन परमात्मा की ओर दृष्टि रखने वाला है। वो हम्बल मैसेंजर है, वो विनम्र दूत है लॉ ऑफ वन के, अद्वैत के ज्ञान के। उनकी भी सीमाएं हैं।
रॉ कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो निर्माता नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस अंतर्निहित एकता से बाहर हो। रॉ कहते हैं कि सृष्टिकर्ता ने खुद को जानने और अनुभव करने के मकसद से खुद से अनंत सृष्टि बनाई है। ये बुद्धिमान अनंत सत्ता अपने अस्तित्व से आकाश गंगाओं, सितारों, ग्रहों, हमारे जैसी संस्थाओं, अंधेरे, प्रकाश, प्रेम और भय, अर्थ और अनुभव की हर छाया, विचार और गतिविधि के हर तरीके को उत्पन्न करती है। हम सब यहां पर सीखने के लिए हैं, बढ़ने के लिए हैं। परमात्मा की सृष्टि के आधार पर खुद को अनुकूलित करने के लिए है। हम सब निर्माता के अनुभव के लिए ही बनाए गए हैं और हमें अपने आप को और अधिक स्पष्ट रूप से जानना चाहिए। देर सवेर हम सब सृष्टिकर्ता के साथ एक रूप हो जाएंगे। अनंत सृष्टि में सभी अनंत संस्थाएं, अनंत शक्तियां, अनंत विचार, अनंत एंटिटीज इस पथ पर यात्रा करती हैं और निर्माता उन सभी माध्यमों से जानता है, सीखता है, जानने का प्रयास करता है। तो हम सब अनंत निर्माता के जानने का माध्यम है, उसके अनुभव का माध्यम है। परमात्मा मेरे माध्यम से भी अनुभव ले रहा है, परमात्मा आपके माध्यम से भी अनुभव ले रहा है और वास्तव में हम सब उसी परमात्मा के अंश हैं, अंग हैं। रॉ कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा यात्रा करती है और वो अष्टक की एक अनंत प्रणाली से होकर गुजरती है। सात स्तरों से होकर गुजरती है, सात लोकों से होकर गुजरती है। वो लोक उस आत्मा के इवोल्यूशन के सात आधार हैं। पहला जो घनत्व होता है, पहला जो लोक होता है, पहला जो स्तर होता है, उसमें आग, हवा, पृथ्वी, पानी से उत्पन्न जैविक जीवन का प्रथम स्तर कह सकते हैं। दूसरे घनत्व में बैक्टीरिया, एकल कोशिका वाले जीव, पौधे और जानवर, इनको हम ले सकते हैं। जो सेकंड डेंसिटी है, सेकंड डेंसिटी में पेड़ पौधे, जानवर, जीव जंतु, एकल कोशिका वाले जीव से लेकर उच्च चरणों वाले जीव जंतु, ये सेकंड डेंसिटी में शामिल होते हैं। इसके ऊपर थर्ड डेंसिटी होती है, थर्ड डेंसिटी में मानव को हम शामिल कर सकते हैं। मानव जब और अधिक विकास करता है तो वो फोर्थ डेंसिटी में पहुंचता है, चतुर्थ स्तर पर पहुंचता है, इसके बाद पंचम स्तर, फिर छठवां स्तर, फिर सातवां स्तर। हम सबको अपने स्तर को बढ़ाना है। यदि हम अपने स्तर को नहीं बढ़ाएंगे तो हम उसी स्तर में रह जाएंगे। जैसे कोई जानवर यदि तीसरे स्तर पर नहीं पहुंचता तो वो फिर दूसरे स्तर पर ही अगले 25,000 साल तक उसी स्तर की योनियों में घूमता रहेगा। मनुष्य यदि तीसरे स्तर से चौथे स्तर पर नहीं पहुंचता तो तीसरे स्तर के लोकों में, तीसरे स्तर के ग्रहों में जन्म लेता और मरता रहेगा। उसे तीसरे से चौथे स्तर पर जाना ही चाहिए और ये समय अनुकूल है जब वो बहुत आसानी से तीसरे से चौथे स्तर, तीसरे से चौथी डेंसिटी में, तीसरे से चौथे लोक में पहुंच सकता है। लोक, डेंसिटी, स्तर, ये अपने आप में पैरेलल चलने वाली चीजें हैं। तीसरे स्तर की आत्माएं तीसरे जगत की, तीसरे युग की आत्माएं यदि शरीर छोड़ेंगी तो वो तीसरे लोक में पहुंचेंगी। दूसरे स्तर की आत्माएं शरीर छोड़ेंगी तो वो दूसरे स्तर के लोक में पहुंचेंगी। तो शरीर जगत ये धरती है, सूक्ष्म जगत कोई और लोक हो सकता है जहां पर आत्माओं का निवास होता है। तो आपकी मृत्यु होगी, आप तीसरे स्तर की
आत्मा है तो आप तीसरे स्तर के लोक में पहुंच जाएंगे। जब भी आपका जन्म होगा तो तीसरे स्तर के ग्रह पर होगा। चौथे स्तर की कोई आत्मा है तो चौथे स्तर की आत्मा चौथे स्तर तक के लोक में पहुंचेगी। हो सकता है कि वो चौथे स्तर के ग्रह पर जन्म ले, लेकिन वो तीसरे स्तर पर जन्म लेने का विकल्प भी चुन सकती है तीसरे स्तर की आत्माओं को सीख देने के लिए। अब हम चौथे स्तर के घनत्व में पहुंच रहे हैं। जो चौथे लोक की आत्माएं हैं वही चौथे घनत्व की इस धरती पर जन्म ले सकेंगी। जिन्होंने चौथे घनत्व की स्थिति पैदा नहीं हुई है वो तीसरे लोक में पहुंचेंगी और तीसरे लोक के ग्रह पर जन्म लेंगी। चौथे घनत्व में सामाजिक स्मृति परिसर का जन्म होता है, जहां विचार चीजें बन जाते हैं, प्रेम ही प्रेम दिखाई देता है, सकारात्मक और नकारात्मक ध्रुवताएं एक दूसरे से अलग होकर विकास के अपने संबंधित और भिन्न पाठ्यक्रमों के लिए अधिक अनुकूल वातावरण में निवास करती है। तीसरे स्तर पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार की आत्माएं एक साथ निवास करती हैं। जैसे हमारे यहाँ पापी और पुण्यात्मा एक साथ निवास करते हैं, हर तरह के चरित्र वाले लोग एक साथ रहते हैं और यही कष्ट का कारण बन जाता है। जो सत गुणी मनुष्य है, जो चौथे स्तर को डिजर्व करता है, वो तीसरे या दूसरे स्तर की मानसिकता वाले व्यक्ति के साथ रहने में असहजता महसूस करता है। हम एक ही जगह पर पापी और पुण्यात्मा एक साथ रहते हैं, इसलिए कष्ट है। लेकिन चौथे स्तर पर जब हम पहुंच जाएंगे, जब धरती चौथे स्तर पर पूर्ण रूप से कदम रख लेगी, तो यहां पर सत्वगुण, रजोगुण और तनोगुण तीनों गुणों वाले एक साथ नहीं रहेंगे, यहां पर सिर्फ सत्वगुण वाले लोग रहेंगे। सामाजिक स्मृति परिसर का जन्म हो जाएगा, विचार महत्वपूर्ण हो जाएंगे, इतनी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ेगी, विचार करते ही चीजें घटित होने लगेंगी। राव बताते हैं कि कैसे चौथी घनत्वता में विचार से क्या क्या चीजें नहीं बनाई जा सकेंगी, विचार से कहाँ नहीं पहुंचा जा सकेगा। बात करने के लिए मोबाइल की नहीं आवश्यकता होगी, बात करने की इच्छा हुई और टेलीपैथिकली विचारों से ही आप बात कर लेंगे। नकारात्मक ध्रुवताएं दूसरे ग्रहों पर या दूसरे लोकों में चली जाएंगी। जो नकारात्मक सोच वाले होंगे, जो रजो और तमो गुण में अटके रहेंगे, वो दूसरे अपने अनुकूल वातावरण के अनुसार भेज दी जाएंगे। पांचवा जो घनत्व है वो प्रकाश का घनत्व है, जिसमें ज्ञान महत्वपूर्ण हो जाता है। छठवा घनत्व चौथे घनत्व में सीखे गए प्रेम को पांचवे घनत्व में सीखे गए प्रकाश के साथ संतुलन और एकीकृत करता है। यहां पर थोड़ा सा स्पष्ट कर दें, रॉ कहते हैं कि चौथे घनत्व में प्रेम महत्वपूर्ण है, पांचवे घनत्व में ज्ञान महत्वपूर्ण है, छठवें घनत्व में प्रेम और ज्ञान संतुलित किया जाता है और दूसरों की सेवा करने की शक्ति को पैदा किया जाता है। ज्ञान और प्रेम में संतुलन स्थापित किया जाता है। चौथी घनत्वता में प्रेम बढ़ जाता है, छठ पांचवी में ज्ञान बढ़ जाता है, सात छठवें में प्रेम और ज्ञान दोनों संतुलित हो जाता है और सातवीं घनत्वता सातवें लोक में उस स्तर तक आत्मा पहुंच जाती है जिसका वर्णन करना कठिन हो जाता है। यहां पर हम एक निर्माता के साथ पूर्ण सामंजस्य में जाना शुरू करते हैं, यानी हम ब्रह्म स्वरूप धारण कर लेते हैं। आठवां घनत्व एक निर्माता के साथ सारी सृष्टि के पूर्ण संयोजन का प्रतिनिधित्व करता है। द फिफ्थ डेंसिटी इज द डेंसिटी ऑफ लाइट वेयर इन विजडम बिकम्स द फोकस एंड क्राइटेरियन फॉर ग्रेजुएशन टू द नेक्स्ट डेंसिटी। द सिक्स्थ डेंसिटी बैलेंसेस एंड यूनिफाइज द लव लर्न इन फोर्थ डेंसिटी विद द लाइट लर्न इन फिफ्थ डेंसिटी एंड प्रोड्यूसेस ए पावर टू सर्व अदर्स दैट इज मोर इफेक्टिव देन दैट ऑफ लव और विजडम अलोन। द सेवेंथ डेंसिटी रीचेस द रेलम ऑफ एक्सपीरियंस इवन मोर डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब अकॉर्डिंग टू रॉ इट इज द डेंसिटी ऑफ फॉरवर्डनेस एंड हियर वी बिगिन टू मूव इन टू टोटल हारमोनी विद द वन क्रिएटर।
द एयर डेंसिटी रिप्रेजेंट द कंप्लीट कोएलेंसेस ऑफ ऑल द क्रिएशन विद द वन क्रिएटर एंड कैन बी व्यूड एज फर्स्ट डेंसिटी ऑफ अ न्यू ऑक्टेव सिमिलर इन अरेंजमेंट टू द नोट्स ऑन ए म्यूजिकल स्केल द फ्रूट्स ऑफ दिस ऑक्टेव विल इवेंचुअली गिव बर्थ टू अनादर ऑक्टेव ऑफ डेंसिटीज होज फ्रूट्स विल गिव बर्थ टू अनादर ऑक्टेव ऑफ डेंसिटीज एंड सो ऑन इन्फिनिटली। तो आठ स्तरों की यहाँ पर बात हुई, आठ लोकों की बात हुई, आठ घनत्वताओं की बात हुई। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, आठ घनत्वताएँ स्थूल स्तर पर होती हैं, भौतिक स्तर पर होती हैं, आठ स्तर सूक्ष्म शरीर के स्तर पर होते हैं और आठ लोक कारण शरीर के स्तर पर होते हैं। कारण शरीर यानी हमारा स्व, हमारी मूल आत्मा हमारे स्तर के लोक में निवास करती है, उसके आधार पर उसे सूक्ष्म शरीर मिलता है और उसी आधार पर उसे घनत्वता वाले ग्रह में स्थान मिलता है। यदि हमारी आत्मा चौथे स्तर के कारण शरीर वाले लोक में निवास करती है तो उसे उसी स्तर का सूक्ष्म शरीर मिलेगा और उसी स्तर का ग्रह मिलेगा। इस विषय पर और विस्तार से हम आगे चर्चा करेंगे। एक एक लोक की, एक एक स्तर की और एक एक घनत्वता की हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे और यकीन मानिए इस सीरीज से निश्चित रूप से हमें जीवन को जीने की एक नई दिशा मिलेगी, सोचने की दृष्टि में और दृष्टिकोण में एक नई सीमा मिलेगी, हमारे दिमाग के दरवाजे खुलेंगे, हमारे टाइप्ड सोचने के तरीके में बदलाव होगा। सद्योग के मार्ग में, ध्यान के मार्ग में, अध्यात्म के मार्ग में, जीवन के मार्ग में नए नए दृष्टिकोणों के साथ हम इस सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे और भी रहस्यमयी और रोचक जानकारियों के साथ हम इस सत्संग को आगे बढ़ाते रहेंगे। फिलहाल आज इतना ही। परमात्मा के असीम प्रेम, आनंद और प्रकाश की दुनिया में आपका स्वागत है। इसी तरह से जुड़े रहिए, आगे बढ़ते रहिए और न सिर्फ स्वयं को बल्कि समाज को प्रकाशित करते रहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, किसी को भी प्रेशर मत डालिए, सिर्फ उससे सवाल करके पूछिए कि क्या मैं आपको सिद्ध योग का, सत्वगुण का, सतयोग का ज्ञान दे सकता हूँ, जो जानकारी मेरे पास है क्या मैं उसे साझा कर सकता हूँ। इस प्रश्न के साथ उसकी जिज्ञासा का समाधान करने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव।